क्वेश्चन नंबर 54 है, ए ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई बी बी माइनस वाई, सी माइनस जेड और सी इज इक्वल टू जीरो, देन यूजिंग प्रॉपर्टीज दिस, ए अपॉन एक्स चाहिए, तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, ए ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई बी बी माइनस वाई, सी माइनस जेड एंड सी इज इक्वल टू जीरो, दे रखा है जीरो के इक्वल टू। अब एक काम करते हैं, x से इसमें डिवाइड कराते हैं, y से इसमें और z से इसमें, तो ये एक्स वाई जेड ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा a अपॉन x, इधर a अपॉन x माइनस वन, इधर भी a अपॉन x माइनस वन, b अपॉन y माइनस वन, b अपॉन y माइनस वन, c अपॉन z माइनस वन, c अपॉन z माइनस वन एंड c अपॉन z इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, सी वन में चेंज करते हैं, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये एक्स वाई जेड ऐसी रहेगा, तीनों कॉलम को ऐड करते हैं, देखो ए अपॉन एक्स बी अपॉन वाई सी अपॉन जेड, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू, ऐसे इसमें आएगा ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू, बी अपॉन वाई माइनस वन, बी अपॉन वाई माइनस वन, सी अपॉन जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या करें, ये कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, ए अपॉन एक्स, बी अपॉन वाई, सी अपॉन जेड माइनस टू, बचता क्या है वन, बी अपॉन वाई माइनस वन, सी अपॉन जेड माइनस वन, बी अपॉन वाई वन, बी अपॉन वाई माइनस वन और सी अपॉन जेड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दो वन की जगह जीरो बनाते हैं, एक तो आर वन में बना लेते हैं, आर टू में बना लेते हैं, आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू एंड आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर थ्री, ये एक्स वाई जेड, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई सी अपॉन जेड माइनस टू, आर वन और आर टू को माइनस कराओ जीरो, इन दोनों को माइनस कराओ माइनस वन, इन दोनों को माइनस कराओगे जीरो क्योंकि सेम टर्म है, इन दोनों को माइनस कराओगे जीरो, इन दोनों को माइनस कराओगे तो वन, और इन दोनों को माइनस कराओगे तो माइनस वन, वन बी अपॉन वाई माइनस वन एंड सी अपॉन जेड। अब इसे एक्सपेंड कर लो, एक्स वाई जेड, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू, इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर लें, खत्म हो गया, तो कितना बच गया, वन टाइम्स ऑफ वन माइनस जीरो, अभी तो जीरो हो नहीं सकता, एक्स वाई जेड जीरो है नहीं क्वेश्चन में क्या रखा है, तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी, और यही हमसे पूछा गया था।